Hello guys and welcome back to the second episode of Hello C++. So आज के वीडियो में हम देखेंगे कि what are data types, what are data type modifiers, size of primitive data types and what is the size of operator and how we use this in a C++ programming. ठीक है, तो ये है हमारा आज का टॉपिक. सो स्टार्ट करते हैं डेटा टाइप्स के डेफिनेशंस के साथ. डेटा टाइप्स आर बेसिकली यूज्ड टू टेल द कंपाइलर दैट व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल वी आर यूजिंग. इसका मतलब कि वेरिएबल्स क्या होता है. वेरिएबल्स मतलब कि हम उसमें कोई डेटा स्टोर किए. ठीक है, तो हमें कंपाइलर को ये बताना होगा दैट व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल, विच मींस व्हाट टाइप ऑफ डेटा वी आर स्टोरिंग. अब यहाँ टाइप मतलब क्या, इसका मतलब कि जैसे कि अगर मेरे पास एक नंबर है 101, ठीक है, 101 मेरे पास एक नंबर है. ये नंबर किस कैटेगरी में आता है, ये नंबर आता है मेरा इंटीजर्स के कैटेगरी में. ठीक है, तो मुझे कंपाइलर को बताना होगा कि दैट 101 is an integer value. अब मैंने x में स्टोर किया है 101 को, तो मुझे ये बताना होगा कंपाइलर को कि जो x वेरिएबल है उसका टाइप है इंटीजर, मतलब कि int, int, int. ये समझ में आ गया. अब वैसे ही अगर मेरे पास एक दूसरा डेटा है, वो डेटा है मेरा क्या, अल्फाबेट्स, जैसे कि a b c d e, ठीक है, और वेरिएबल नेम है z, तो मैं z में स्टोर कर रहा हूं a को. a मेरा डेटा है, तो वो किस तरह का डेटा है. a वैसे मेरा क्या है, अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स मतलब कैरेक्टर्स. ठीक है, तो मैं उसे स्टोर करूंगा कैरेक्टर डेटा टाइप के फॉर्म में. वैसे ही डेसिमल पॉइंट है, मान लो 32.4 32.5, ठीक है, तो ये मेरा डेसिमल पॉइंट में है, तो मैं स्टोर करूंगा किसी डेसिमल पॉइंट के टाइप में, जैसे कि फ्लोट हो गया, डबल हो गया. तो बात समझ में आ रहा है कि डेटा टाइप्स होता क्या है. डेटा टाइप्स आर बेसिकली यूज्ड टू टेल द कंपाइलर दैट व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल वी आर यूजिंग. तो चलो भाई, डेटा टाइप का डेफिनेशन तो समझ में आ गया, बट देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डेटा टाइप्स. देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डेटा टाइप्स एंड लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन. ठीक, अब हमारा पहला कैटेगरी आता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, विच मींस बेसिक डेटा टाइप. बेसिक इसलिए क्योंकि इस डेटा टाइप्स के बिना हम कोई भी अपना एक C++ प्रोग्रामिंग नहीं लिख सकते. मुझे कोई भी अपने एक छोटा सा प्रोग्राम भी लिखने के लिए मुझे इस डेटा टाइप्स का जरूरत पड़ेगा. ठीक है, प्रिमिटिव है मतलब बहुत बेसिक है. तो जनरली ये होता क्या, लेट्स सी. दिस डेटा टाइप्स आर प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स और बिल्ट इन डेटा टाइप्स that can be used directly by the user to declare variables. जैसे कि examples के लिए int, char, char मतलब char, float, bool, ठीक है? These comes under the category of primitive data types. अब ये int क्या है? इसका actual meaning होता है integer, ठीक है? ये char क्या है? char का actual meaning होता है character. ठीक है, ये बूल क्या है, बूल का एक्चुअल मीनिंग होता है बूलियन. फ्लोट का होता है फ्लोटिंग पॉइंट. ठीक है, अब ये डबल फ्लोटिंग पॉइंट क्या है. ठीक है, अब देखो ये समझ में आ गया. इंटीजर मतलब क्या, कि इंटीजर डेटा टाइप विल स्टोर दी इंटीजर वैल्यूज, कैरेक्टर डेटा टाइप विल स्टोर दी कैरेक्टर वैल्यूज. ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप विल स्टोर दी डेसिमल पॉइंट वैल्यूज. ठीक है, अब ये डबल फ्लोटिंग पॉइंट भी मेरा स्टोर करेगा डेसिमल पॉइंट वैल्यूज को, एंड इसका कीवर्ड होता है डबल. जैसे फ्लोटिंग पॉइंट का होता है फ्लोट, डबल फ्लोटिंग पॉइंट का होता है डबल. ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है. डिफरेंस ये है कि इसमें डिजिट्स का डिफरेंस होता है. जैसे कि फ्लोटिंग पॉइंट विल स्टोर ओनली अप टू 7 डिजिट्स, वेयर एज डबल फ्लोटिंग पॉइंट विल स्टोर द डेटा अप टू 15 डिजिट्स. ठीक है, ये इसका डिफरेंस है. इसका एक और डिफरेंस है मेमोरी स्पेस के
कॉरेस्पॉन्डिंग, तो वो हम देखेंगे जब हम लोग थोड़ा मेमोरी स्पेस के बारे में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो अभी के लिए ये एक डिफरेंस रखते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट स्टोर द डेटा वैल्यूज अप टू 7 डिजिट्स एंड डबल फ्लोटिंग पॉइंट स्टोर द डेटा वैल्यूज अप टू 15 डिजिट्स। अब यहाँ पे एक बूल भी है, ठीक है। अब ये बूल मतलब क्या था? बूलियन। अब बूलियन मतलब क्या हुआ? बूलियन मतलब कि बूलियन विल स्टोर, बूलियन ओनली स्टोर्स टू वैल्यूज, आइदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अगर हमें कोई डेटा टाइप ऐसा स्टोर करना पड़ रहा हो जिसका कि हमें सिर्फ ट्रुथ वैल्यू बताना है, कोई भी स्टेटमेंट है, ठीक है, हमें उसका सिर्फ ट्रुथ वैल्यू हमको सिर्फ स्टोर करना है कि वो ट्रू है कि फॉल्स है, वी विल यूज दिस कीवर्ड बूल और आर डेटा टाइप नोन एज बूलियन। अब डेटा टाइप्स क्या होता है ये समझ में आ गया, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होता है ये समझ में आ गया, एंड जनरली दिस फाइव आर मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स जनरली इसका कि हम लोग C++ प्रोग्रामिंग में मैक्सिमम यूज करते हैं, ठीक है। इसके बिना कोई प्रोग्राम बन ही नहीं सकता है, मतलब तुमको यूज करना ही पड़ेगा इसका। अब सेकेंड कैटेगरी में आते हैं विच इज नोन एज डिराइव्ड डेटा टाइप्स। द डेटा टाइप्स आर डिराइव्ड फ्रॉम, डिराइव मतलब क्या कि उसी से, मतलब कि उसी के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के थ्रू आया है, फ्रॉम द प्रिमिटिव आर रेफर टू एज डिराइव्ड डेटा टाइप्स। दिस कैन बी ऑफ फोर टाइप्स मेनली फंक्शन, एरे, पॉइंटर, रेफरेंस, ठीक है। जनरली ये फोर टाइप्स का होता है, फंक्शन, एरे, पॉइंटर, रेफरेंस, ठीक है। यस, फंक्शन, एरे आर द डेटा टाइप्स, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत लोग को नहीं पता होता है, बट फंक्शन, एरे, पॉइंटर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डेटा टाइप्स। अब हम आते हैं यूजर डिफाइंड में, ठीक है। यूजर डिफाइंड ऐसा थ्री कैटेगरीज होता है, क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन, ठीक है, और भी होता है ऐसा कि एनुमेरेशन। तो ये सब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्लास क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, जब हम इसका पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे। क्लास का जब हम अलग से पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर जब अलग से पढ़ेंगे, तब इसके बारे में जानेंगे। अभी के लिए बेसिक डेटा टाइप जो है मेरा इंटीजर, कैरेक्टर, बूलियन यही है, अभी इसी को पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं मेमोरी स्पेस का कॉन्सेप्ट पे कि मेरा कौन सा डेटा टाइप कितना मेमोरी कंज्यूम करता है। तो इसी को समझते हैं कि कौन सा डेटा टाइप कितना मेमोरी स्पेस में लेता है। लेट्स कम टू अ फर्स्ट डेटा टाइप विच इज नोन एज इंटीजर्स, ठीक है। तो इट टेक्स 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी स्टोरेज। अब बाइट्स क्या होता है, बाइट्स एंडली टर्मिनोलॉजी आया है मेरा मेमोरी कॉन्सेप्ट का कि बिट, बाइट्स, दीज ऑल आर द टर्मिनोलॉजीज ऑफ मेमोरी स्पेस। तो इंट डेटा टाइप consumes about 4 bytes of memory storage. It takes 4 bytes of memory storage. And range of this int data type is minus 21478364848 to positive value of the same number. ठीक है, minus negative to positive तक जाता है, ये इसका range है। मतलब कि int डेटा टाइप जो है वो इसी रेंज के अंदर, मतलब कि इसी रेंज के अंदर जितना डेटा है वही सिर्फ स्टोर कर सकता है। इट कैन नॉट एक्सीड मोर देन दिस रेंज। अब आते हैं कैर पे। इट टेक्स 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी स्पेस। रेंज क्या होता है इसका? -128 टू 127 और 0 टू 255। अब आते हैं फ्लोट पे। इट टेक्स 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी स्पेस। रेंज कितना मेरा? 7 डिजिट्स, ये मैंने पहले ही बताया था। अब डबल फ्लोटिंग पॉइंट पे आते हैं, कितना होता है? इट टेक्स 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी स्पेस, ठीक है। अब मैंने बताया था कि फ्लोट डेटा टाइप एंड डबल डेटा टाइप में डिफरेंस होता है एक और वो डिफरेंस यही है। इट टेक्स 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी स्पेस एंड इट टेक्स 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी स्पेस एंड रेंज तो पता ही है इसका, होता है 15 डिजिट्स, ठीक है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि हाउ मच मेमोरी डज ईच primitive data type uses। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा दूसरा concept की तरफ जाते हैं which is known as data type modifiers।
Now, what are these data type modifiers? It is used to change or modify the current properties of data types. ठीक है, अब it is used to change or modify the current properties of data types. अब यहाँ properties मतलब क्या? ये तो समझ में आ गया कि इसका यूज करके हम मॉडिफाई कर सकते हैं प्रॉपर्टीज को. तो प्रॉपर्टीज जनरली किस टर्म के बारे में बात हो रहा है? बात हो रहा है यहाँ पे मेरा जनरली रेंज एंड मेमोरी स्टोरेज के बारे में. कैसे वो बताते हैं, जैसे कि फर्स्ट में मेरा है साइंड, सेकंड में है अनसाइंड, थर्ड है शॉर्ट, फोर्थ है लॉन्ग. अब ये बाय डिफॉल्ट एवरी डेटा टाइप इज अ साइंड. ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट मेरा यही होता है. ठीक है, इसका फीचर ये है कि इट कैन टेक द वैल्यूज बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव. अगर मेरे पास डेटा वैल्यूज नेगेटिव और पॉजिटिव है तो मैं साइंड यूज करूंगा. ठीक है, अब व्हाट इज दिस अनसाइंड? अनसाइंड बेसिकली क्या होता है कि अगर मेरे पास डेटा वैल्यूज, अगर मेरे पास सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज है, जीरो या पॉजिटिव वैल्यूज है, देन वी कैन यूज दिस डेटा टाइप मॉडिफायर टू स्टोर दैट पर्टिकुलर वैल्यू. क्योंकि जैसे कि अगर मैं सिर्फ इंट यूज करता हूं, इफ आई ओनली यूज इंट डेटा टाइप, ठीक है, इट्स रेंज इज फ्रॉम -2147 टू पॉजिटिव वैल्यू ऑफ दैट. ठीक है, लेकिन जब मेरे पास नेगेटिव वैल्यूज है ही नहीं, जब मुझे नेगेटिव डेटा स्टोर ही नहीं करना है, देन व्हाई विल आई यूज दैट? मैं उसको मॉडिफाई कर सकता हूं उस पर्टिकुलर डेटा टाइप को, जैसे कि इंट हो गया, फ्लोट हो गया. तो इसी तरह से मैं अनसाइंड का यूज करके उसको मॉडिफाई कर सकता हूं. इट कैन, इट विल स्टोर ओनली जीरो एंड पॉजिटिव वैल्यूज. वैसे ही आता है मेरा शॉर्ट एंड लॉन्ग. अब शॉर्ट बेसिकली क्या होता है? ठीक है, अगर मेरा वैल्यूज का रेंज, अगर मेरा वैल्यूज का रेंज मेरा अगर कम है, ठीक है, देन व्हाई विल आई यूज इंट? अगर मेरा शॉर्ट रेंज में ही काम हो जा रहा है तो आई कैन मॉडिफाई माय डेटा टाइप एंड कन्वर्ट इनटू अ शॉर्ट रेंज. अब हम आते हैं लॉन्ग पे. लॉन्ग भी बेसिकली वही होता है. बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि अगर मुझे रेंज के बाहर जाना हो, जैसे कि ये रेंज है 21472, नेगेटिव वैल्यू ऑफ 21472, 214 पॉजिटिव वैल्यू ऑफ 2147, तो अगर मेरे पास एक ऐसा डेटा वैल्यू है जो कि इस रेंज को एक्सीड कर रहा है, इस पर्टिकुलर रेंज को एक्सीड कर रहा है, देन आई विल यूज दैट लॉन्ग डेटा टाइप, लॉन्ग डेटा टाइप मॉडिफायर. ठीक है, सो ये था मेरा डेटा टाइप मॉडिफायर्स का कॉन्सेप्ट. और अब थोड़ा सा प्रोग्राम पे आते हैं. ये प्रोग्राम बेसिकली कोई टास्क नहीं है इस प्रोग्राम का. ये प्रोग्राम मैंने सिर्फ लिखा है कि डिस्प्ले करेगा कि कैर का मेमोरी स्पेस कितना होता है, इंट का मेमोरी स्पेस कितना होता है, शॉर्ट इंट का कितना होता है, लॉन्ग इंट का क्या होता है, साइंड लॉन्ग इंट का क्या होता है, अनसाइंड का क्या होता है, फ्लोट का क्या होता है, वैसे ही डबल का क्या होता है. इट विल ओनली शो द मेमोरी स्टोरेज ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा टाइप यूजिंग दिस साइज ऑफ ऑपरेटर. ठीक है, साइज ऑफ ऑपरेटर यही होता है. इट जनरली डिस्प्लेस द मेमोरी स्टोरेज ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा टाइप. मैंने हर जगह यहाँ साइज ऑफ यूज किया है. सो इसे मैं प्रैक्टिकल रन करता हूँ फिर से किसी ऑनलाइन कंपाइलर पे, एंड लेट्स सी कि क्या आउटपुट आता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अ प्रैक्टिकल. तो ये वही कोड है जो मैंने वहां लिखा था. अब इसे रन करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट द आउटपुट कम्स. मैं रन करता हूं. यस, यू कैन सी. See, first I here I have written C out size of char and I have used this size of operator, okay, which outputs the memory space, memory storage of this char. तो यहाँ मुझे देखने को मिल रहा है size of char is 1 byte, ठीक है.
and the second line I have used the size of int. Again I have used the size of operator and it displays me 4 bytes. वैसे ही float का है size of float and again I have used this operator, then I have, it is displayed 4 bytes and for double it is being displayed as 8 bytes. ठीक है, अब unsigned and signed का देखते हैं कि उसका कैसे होता है and short और long का भी. ठीक है, मैं फिर से रन करता हूं. Here it is. Size of short int displayed as 2 bytes. ठीक है, अब एक चीज देखना है ध्यान से. Size of int is 4 bytes but when I am using short int it displays 2 bytes. मतलब क्या, मैं कि मेरा memory storage भी कम use होता है अगर मैं short int का use करता हूँ. Long int, ठीक है, long int मतलब क्या था, मुझे अगर ज्यादा बड़ा value चाहिए तो मैं long int use करूँगा. तो इसमें देख सकते हैं क्या होता है, 8 bytes, मतलब इसका सीधा double. Again size of signed long int, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है size of signed long int, size of operator use किया है. ठीक है, तो 8 bytes. Size of unsigned भी मेरा 8 bytes. इसमें सिर्फ difference ये होगा, it will only take 0 and positive value. Float और double का तो हम देख ही चुके हैं. ठीक है, तो ये था basically आज का video कि data types क्या होता है, data type modifiers क्या होता है, उसे हम कैसे use करते हैं, और ये थोड़ा सा साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में कि इसका यूज हमें आगे बहुत पढ़ने वाला है इस ऑपरेटर का, तो इसका बेसिकली यूज कैसे करते हैं ये भी हमने आज देखा. ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक्स के साथ.